फ्रेंड्स, आज हम हैं फोर सीजन्स रिसोर्ट के पास एंड आज हम देखेंगे कि रिसोर्ट कैसा है, यहाँ पे क्या क्या सुविधा उपलब्ध है एंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस रिसोर्ट। सो यहाँ पे काफ़ी धूप है, सो लेट्स बिगिन। ये मेन रोड है, ये यहाँ का टेंट कैंपिंग इलाका है फोर सीजन्स का और यहाँ पे रिसोर्ट है। आप व्यू देख लीजिए, मेन रोड के बिल्कुल पास ही है तो आपको कहीं गलियों में ढूंढने के जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग गूगल में आपसे थोड़ा अलग जगह चले गए थे, देन फिर ठीक ठाक जगह पे आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाहर कुछ पार्किंग की जगह रखी हुई है एंड अंदर भी काफ़ी कार पार्क है, सो लेट्स मूव इन। ये फुल व्यू हैमॉक के पास, यहाँ पे अंदर थोड़ी सी पार्किंग है। ये है गार्डन एरिया जहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया है एंड एक ओपन जिम एरिया भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। छोटी सी जगह है लेकिन अच्छे सजाया गया है यहाँ पे। हम लोग वीकडेज में आए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये एक छोटा सा पैशियो है शाम को घूमने के लिए। तो आइए पहले हम रिसेप्शन एंड रूम्स देख लेते हैं। उधर स्विमिंग पूल है, लेट्स गेट इनसाइड। रूम्स हैं यहाँ पे, रिसेप्शन बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं देख सकते हैं। बॉनफायर, म्यूजिक सिस्टम विद कराओके माइक जरूर है, उसके लिए चार्जेस लगते हैं, इट्स 1200। अभी हाउस क्लीनिंग चल रहा है, हाउस कीपिंग का। तो आइए हम रूम्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे रूम्स देख लेते हैं अभी। दो मिला है, ये यहाँ का रूम है। रूम में एसी है, 125 डिग्री एंगल से देखें। रूम इज गुड एंड स्पेशियस। एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है। यहाँ पे दो कबर्ड दिए हुए हैं, कबर्ड में काफी जगह है। ये रूम से व्यू, टेबल और एक चेयर है। कबर्ड के साइज देख लेते हैं, कबर्ड में काफी जगह है। ये और एक कबर्ड, इसमें भी काफ़ी जगह है। आइए अब वॉशरूम देख लेते हैं। बेसिन, लाइट, सही है। अब हम चलेंगे रेस्टोरेंट और खाने की तरफ। ये व्यू है बैक साइड के रूम से। हम लोगों ने दो रूम लिए थे और पीछे के साइड से ये सायद हिल्स बहुत ही बढ़िया दिखता है।
अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, वहाँ से फिर थोड़ा बाहर जाएंगे पावना डैम के वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे अभी, तो लेट्स सी हाउ द रेस्टोरेंट। वहाँ से हम ऊपर आए हैं, ये रेस्टोरेंट एरिया है। बाहर खाने की जगह है, यहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन है, वहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन रखा हुआ है। हेलो हम लोग ग्रुप में आए हैं इसलिए सबसे बड़ी टेबल हम लोग को दी गई है, 3 टेबल जोड़ के। वहाँ पे वॉशरूम्स हैं, अंदर भी बैठने की जगह है। यहाँ भी बैठने की जगह है अंदर। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ सकते हैं। इट इज एसी फैमिली रूम, ये फैमिली सेक्शन है। और वहाँ पे पैंट्री है। फोर सीजन्स तो रात का नज़ारा है। अभी आप देख सकते हैं एक आत्मा आई जा रही है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं रेस्टोरेंट की ओर। इतने सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है आपको। ऊपर भी रेस्टोरेंट है, आज हम लोग ऊपर में बैठ के खाएंगे। नीचे का रेस्टोरेंट मैंने सुबह को ही दिखा दिया है। सो ऊपर कुछ लोग दिख रहे हैं। रात का नज़ारा देखते ही बनता है। से बैठने की जगह यहाँ पे। मिलते हैं कल सुबह को, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ठंड है यहाँ पे। इट इज़ ऑलमोस्ट 8 इन द मॉर्निंग और अब देख सकते हैं कि शॉल ओढ़ के खड़ी हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है वॉक करने में। तो थोड़ी देर में हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे एंड विल चेकआउट। सो अभी हम देख लेते हैं कि स्विमिंग पूल कैसा है यहाँ का एंड और क्या क्या गेम्स उपलब्ध हैं। ये रहा रिसेप्शन के पास से स्विमिंग पूल जाने का रास्ता। अब हम आ गए हैं स्विमिंग पूल में। ये रहा इसका साइड से व्यू। उस साइड किड्स पूल है। गेम्स में यहाँ पे कैरम है और भी छोटे मोटे गेम्स हैं। हम लोग वैसे अपना साथ लेके आए थे चेस एंड लूडो। सो ये था हमारा स्विमिंग पूल एंड बाकी चीज़ तो हमने देख ही लिया है। सो अभी चेकआउट का टाइम हो गया है अपना, लेट्स गो।